जनाब हम एंटर हो गए, सारी एंट करवा के ले सर, थैंक यू वेरी मच। चलो हमारे लिए स्पेशल दुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तब। चलो जनाब डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करवा ली है और अब एग्जिट के लिए स्टैंप लगवानी है उसके ऊपर पासपोर्ट पे। फिर निकलेंगे इंशाल्लाह आगे। ये आगे जी इमिग्रेशन FIA है। पाकिस्तान की एग्जिट हो गई है हमारी, स्टैंप लग गई है पाकिस्तान की एग्जिट की और अब जो है हम निकल रहे हैं ईरान की तरफ। मेरी भी ईरान की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ईरान का भी अल्लाह ताला खैर से हो जाए, आसानियाँ फायदा हो। यहाँ पर तो बड़ा इन्होंने VIP प्रोटोकॉल दिया है और बड़े आराम से जुटा वीज़ा इन्होंने स्टैंप करके हमारे हाथ में दिया। ज़ियारत बा मोतूर ये जो ईरान की साइड है और यहाँ से अब हम दोबारा अब हमारे एंट्रियाँ होंगी पासपोर्ट पे भी और कारने पे भी। ठीक है जान दियो। मशहद हुई है अब वो बाइक्स खड़े में हमारे और फर्दर आगे हमने जाना है। हाँ ईरान के अंदर ये एंटर हो गए मैं और ये ईरान की साइड पे आ गए हम। अब यहाँ पे ईरान की इमिग्रेशन का और ईरान के कस्टम का काम है यहाँ पे। ये अब हम आ गए ईरान कस्टम ऑफिस। जनाब हम ईरान के अंदर वो इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ ईरान में भी एंट्री हो गई है और मेरा ख्याल अब सिर्फ जो है ना जो कारने हैं उनके पर एंट्री लगेगी और उसके बाद वी आर फ्री टू मूव इन ईरान। जब हम ईरान के अंदर एंटर हो रहे हैं ये जी ईरान ये ना जी ईरान में एंटर हो गए हम।
यहाँ पे जनाब अब कार्नेट्स के ऊपर जो है हमारा कार्नेट जो उसके ऊपर एंट्री की स्टैंप लगेगी और यहाँ से फिर हम ईरान में एंटर हो जाएंगे। जी हामिद साहब हैं, इन्होंने हमारे कार्नेट्स के ऊपर मोरे छोरे लगवा ली हैं। रिजर्व लाओ ये यहाँ पे जो है कारने कस्टम्स उन्होंने भी ओके कर दिया है, साइन स्टैंप वगैरह लग गई है और हम जा ले गए हैं। ये अब ईरान के अंदर हम एंटर हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون الحمد لله رب العالمين ان اب یہ حامد صاحب تھے انہوں نے بڑا سپیڈ اپ کام کرایا ہے تقریبا 1.5 گھنٹے میں ہماری ساری امیگریشن کا پروسیس اور بائکس وغیرہ کا جتنا بھی پروسیس تھا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم جو ہے وہ سرزمین امام رضا علیہ السلام میں انٹر ہو رہے ہیں۔ السلام علیک یا امام رضا علیہ السلام، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا انيس النفوس، السلام عليك ايها المدفون بارض طوس، السلام عليك يا مولايا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مولا رضا ہم آپ کے ملک میں انٹر ہو گئے ہیں، میرے پاس جذبات اور احساسات جو ہے نا وہ میرے اسٹمپ فل اسٹمپ انرجی لیول فل ہوا ہے کہ ملک کے امام رضا علیہ السلام میں انٹر ہو گیا ہوں اور اب ہم جو ہے یہ پہلے لیفٹ سائیڈ پہ ڈرائیو کر رہے تھے اور اب ہم رائٹ سائیڈ پہ ڈرائیو کریں گے۔ اب یہ ہمارا جو ہے ڈرائیونگ سٹائل اب چینج ہو گیا ہے۔ کیوں ہے زندگی میں پہلی بار جو ہے نا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو تھوڑا ڈر لگ رہا ہے تو کوئی غلطی نہ کر لوں کہ ہمیشہ لیفٹ سائیڈ پہ کی ہے ڈرائیو وہ جو نا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو واپس اپنی سیٹنگ میں آنے میں لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پہ آنے میں پر ایک اچھا ایکسپیرینس ہے۔ زیدان یہاں سے 85 کلومیٹر ہے اور بام 428 کلومیٹر۔ بام سے جاتے ہیں تو وہ مشہد والی سائیڈ پہ آتا ہے بام اور بیرجند بام اور پھر ادھر سے مشہد۔ اب ہم یہ ایران کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو رائٹ سائیڈ پہ میرے یہ پاکستان کا بارڈر ہے اور یہ پہاڑیاں پاکستان کے اندر ہیں اور اب اس ٹائم ہم ایران کے اندر آ گئے ہیں۔ فرسٹ انٹرنیشنل بارڈر کراسنگ کی ہے اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ پہلا پیٹرول جو ہے ایران سے بھروانے لگے ہیں ماشاء اللہ، یہ تفتان کے ساتھ ہی ہے میر جاوا کے پاس۔ ہاں 14 لیٹر ڈلے گا پھر 5 ڈال لیں۔ ہاں مکان لاہور ابھی جائے گا یہ لے جناب 20 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا لیا ہے۔
पे ईरान की पहली चेक पोस्ट है। जब आप मीरजावा से एंटर होते हैं तो फर्स्ट चेक पोस्ट है ईरान की, और हमने ये क्रॉस कर ली है। हम सिर्फ पेट्रोल भरवाने गए थे, पेट्रोल यहाँ से ले लिया हमने। यार यहाँ तो पेट्रोल बिल्कुल फ्री है, समझें एक तरह से। अभी उन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे, 20 रुपये लीटर है तो उन्होंने फ्री भर दिया पेट्रोल। क्या ज़बरदस्त थे वो, ज़बरदस्त मज़े हैं यहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बड़े हैं मज़े और बड़ी चीज़ें हैं। हर जगह की अपने फ़ायदे और नुकसान है। यहाँ पे महंगाई भी, जो लोगों की अर्निंग है उसके हिसाब से महंगाई भी है, और लेकिन अपना गुजारा अच्छा कर लेते हैं लोग यहाँ पे। मगरिब का टाइम हो रहा है और हमने अब जाना 70-80 किलोमीटर दूर ज़ाहिदान है। ज़ाहिदान आज इंशाल्लाह नाइट स्टे करेंगे हम, और कल सुबह फिर निकलेंगे किरमान की तरफ। ना अब ज़ाहिदान को जा रहा है लाहौर, जो पाकिस्तान से ट्रैक आ रहा है रेलवे ट्रैक, ये वही ट्रैक है और ये ज़ाहिदान को जा रहा है। इधर से अब लेफ्ट साइड पर अगर हो जाए तो मीरजावा है, और सीधा हमने जाना है ज़ाहिदान की तरफ। मगरिब का टाइम हो गया और लोग नमाज के लिए रुक रहे हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है, ये रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये ज़ाहिदान शहर की हैं। और ज़ाहिदान हम पहुँच गए हैं, तकरीबन ज़ाहिदान यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर रह गया। और इस टाइम जो है ना, ऊपर से आपको ज़ाहिदान शहर का जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस टाइम मंज़र यहाँ से, माशाअल्लाह। और ये हम ज़ाहिदान के अंदर एंटर होने वाले हैं बस। दरमियान में रास्ते में मीरजावा से यहाँ तक एक ही चेक पोस्ट आई थी, और बाकी कोई चेक पोस्ट नहीं आई। अब शायद यहाँ पे कोई चेक पोस्ट वगैरह हो तो लाशी लाशी कहीं नहीं किसी ने दी। ये जी टूल प्लाजा, पीछे चेक पोस्ट पर एंट्री की है और पासवर्ड वगैरह चेक किया, और अब हम ज़ाहिदान की तरफ रवाना दम आए। ये ट्रॉलर लग गया हमारे आगे और मिट्टी फेंक रहा है। अब एंटर हो गए मैं ज़ाहिदान के अंदर, ये ज़ाहिदान शहर शुरू हो गया, और टाइम मेरा ख्याल है कोई 7:30 बजे का हो गया। यार ये पीछे जो बर्तन खटकते हैं ना, जान निकल जाती, कोई चीज़ तो नहीं निकल गई। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे ख्याल में अपार्टमेंट्स हैं, राइट साइड पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। और हम जा रहे हैं ज़ाहिदान की तरफ। कपड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी शुरू शुरू का पहला दिन है तो ड्राइव करते हुए अजीब सा लग रहा है कि यार उल्टी साइड से जा रहा हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिनों में आदत हो ही जाएगी इंशाल्लाह। टूरिज्म होटल, इसके अंदर हम रहेंगे आज।
उस होटल में जगह नहीं मिली, वो होटल फुल है, तो अब किसी और होटल की तलाश में जा रहे हैं। हमने ले लिया बाइक, हमने नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है। होटल हमने ले लिया इस्तेगलाल ग्रैंड होटल, 5-स्टार होटल है जहदान में मेन एंट्रेंस के साथ ही। ये हमारा सामान पकड़ पड़ा हुआ है, सामान सामान पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं ऊपर अपना कमरे की तरफ। और रेंट भी बड़ा मुनासिब है, अगर देखा जाए तो ठीक है, 5-स्टार होटल है और 8,000 इसका पर नाइट स्टे का रेंट है। यानी कि अगर डॉलर्स में बात की जाए तो तकरीबन $40, हाँ $40 पर नाइट स्टे। और ये यहाँ के वो है, ये सामने बैंक सदारत ईरान, सदारत ईरान है, और ये मेन रोड गुजर रही है तेहरान, जहदान तेहरान कहते जा रहा हूँ, जहदान के मेन सिटी सेंटर के अंदर ये मौजूद है होटल। ये जनाब होटल है, फर्स्ट मैग्नेट हीटिंग हुई हुई है हल्की हल्की से। थैंक यू। टू बेडरूम है और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम, ज़बरदस्त साफ सुथरा कमरा है। यहाँ से बाहर का मंजर, बालकनी से शहर के बाहर का मंजर, ये चलते हैं वाशरूम, वाशरूम में रहते हैं आपको। This
disinfected.